बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आबाद रखे, आप मुझको से दूर रखे। तहे दिल से दुआ करता हूँ, आप मेरी दुआ करें। तो ये भाई मेरे साथ है, आप अपना नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तजिकिस्तान है, मैं बांग्लादेश का हूँ। तो ये इधर आबाया बनाता है, कोई अगर आबाया बनता है तो ये नंबर में कॉल करना, 0566214042। अच्छा आबाया मिलेगा, अच्छा प्राइस में देगा। ओके, मजबूत स्पेशल अबाया बनाता है, आजमान करमा में है। एरिया कौन सा है? आजमान करमा में है। तो ये भाई अबाया बनाते हैं, जो मतलब लेडीज़ के अबाया होते हैं, कद्दूर वगैरह वो बनाते हैं। तो ये भाई कह रहा था कि अगर किसी भाई को अगर चाहिए तो वो मुझसे रब्ता करे। इसने अपना मोबाइल नंबर भी दिया, लेकिन अजमान नईमिया शॉप करमा में, सॉरी करमा में ना, करमा अजमान करमा में इनकी शॉप है। तो ये अपनी शॉप से कह रहे हैं। तो और ये जो भाई हैं, अगर इनको जो जानता है तो इनको आपको कहेगा, बांग्लादेश से देख रहा होगा तो वो इनको जानता होगा। इधर भी डिलीवरी दे सकते हैं? हाँ, डिलीवरी भी दे सकते हैं। अगर पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में दे सकते हैं। ओके, पाकिस्तान में अगर किसी को चाहिए तो इनके नंबर से इन पर रब्ता करेंगे, तो ये आपको पाकिस्तान में भी डिलीवरी दे देंगे यहाँ से। तो प्राइस आप इनसे खुद रब्ता कर लें, कितने का है कितने का नहीं है व्हाट्सअप पर। तो व्हाट्सअप नंबर दिया ना आपने, तो इन्होंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, ठीक है। और अभी जो है वो मेरी साइकिल खड़ी है और भाई यासिन यहाँ पर है। हाँ यासिन भाई, तो अभी जो है हम निकल रहे हैं बिल्कुल कॉलोनी साइड में। तो कॉलोनी साइड से बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट होते हुए जाएंगे और वहाँ का जो व्यू है वो बहुत ज़बरदस्त व्यू है, उसको भी आप कंटिन्यू करते चलें साथ के साथ। अभी जो है कॉलोनी की तरफ जा रहा हूँ मैं। भाई भाई मिल गया था, उसने कहा था कि मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लो, क्योंकि मुझे ना बांग्लादेश में जो है ना हर आदमी मुझे देख सके। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, और उनका काम भी था बाया का, मतलब बुरके वगैरह का। वो कह रहा था मेरा इसका ही बता दो, तो वो मैंने अपने चैनल पे बता दिया। जिस भाई का दिल करे वो जाए उसको देखे। फिलहाल तो अब मैं बिल्कुल कॉर्निश जो रोड है ना उसी तरफ आया हुआ हूँ, बिल्कुल कॉर्निश की तरफ। तो सामने रोड के पार मुझे कॉर्निश नज़र आ रहा है, वहाँ पर एक रोड होगी साइकिल की और व्लॉगिंग की, उधर से ही जाके वो वहाँ की व्लॉगिंग भी करते हैं। अब वहाँ से ऊपर ले लेगा, यहाँ से ऊपर ले लेता हूँ साइकिल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें जो है मिस करूँ मैं। तो इसके लिए मैंने सेकंड पार्ट जो यहीं से शुरू कर दिया। कहाँ जा रहा है? बच गया बच गया, तो मुझे पता ही नहीं चला आगे ऐसा रास्ता था। तो अभी जो है ब्रेक फिर से ऊपर। मैं रोड पे नहीं चलाता हूँ ना साइकिल, मैं फुटपाथ के ऊपर ज़्यादातर चलाता हूँ। तो बिल्कुल जो है अभी आ चुका हूँ मैं, समझ लें कॉलेज साइड में। तो उस तरफ पूरा समुंदर ही शुरू हो रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँगा। और यहाँ से मैं रोड क्रॉस करके उस तरफ आ जाऊँगा वो एरिया में। तो बहुत ही प्यारा सा व्यू मिलेगा, लेकिन व्यू क्या मिलेगा है तो पूरी समझ लें रोड क्रॉसिंग का ही एरिया है। और बाकी जो है यहाँ से रोड क्रॉस कर लेते हैं उतर के। कैसे यासिन भाई? से उतर रहा हूँ, ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक थोड़ी यहाँ से निकल जाए तो फिर मैं रोड भी क्रॉस कर लूँगा। क्रॉस कर लें यासिन भाई। तो अभी जो है एक तो जब मैं रोड क्रॉस करता हूँ पब्लिक हमें देखती है तो थोड़ा और स्लो कर देती है, वो बोलती है पता नहीं कौन रोड क्रॉस कर रहा है। तो इसके लिए रोड क्रॉसिंग में भी टाइम लग जाता है, हम सोचते हैं वो गाड़ी हमें क्रॉस कर ले, लेकिन वो खुद इतनी स्लो हो जाती है इस चक्कर में। तो एक बाइक आ रही है, मैं बाइक दिखाता हूँ आपको, देख कैसी बाइक आ रही है यार। बाइक के लिए मैं रुका हूँ, तो मैं निकल जाता। मैंने कहा भाइयों को जो है बाइक दिखाऊँ, ये देखें ये वो जा रही है, देखिए आपने बाइक, वेरी वेरी गुड, वेरी बेस्ट बाइक थी यार, बड़ी बाइक थी। तो ये अभी साइकिल, तो थोड़ा सा चलते हैं उस तरफ भी। कुर्सी पे बैठेंगे वो उधर चलते हैं, वो देख लो बंदे जो खड़े हैं ऊँचे पहाड़ पत्थरों पर, वहाँ पर चल के देखें ना, वो सामने वो पहाड़ समुंदर के बीच में, वहाँ पर वो चलें। यहाँ से भी उतार दिया साइकिल, चलो साइकिल की भी रोड बनी हुई है और ये साइकिल की रोडिंग है। यहाँ पे बंदा जो है अपना साइकिल चलाए, ये नीचे ये साइकिल की रोड इन्होंने दी हुई है, ऊपर फुटपाथ पे नहीं, यहाँ पर साइकिल चला सकता है बंदा आराम से, दो ट्रैक है साइकिल की। अभी बंदा अपनी साइकिल की रोड पे आ चुका है, यासिन भी आगे जा रहा है और मैं पीछे जाऊँगा। तो हाँ यासिन भाई चलें, पत्थर के एरिया में आ गया हूँ साइकिल लेके। मैं चाहता हूँ कि मैं साइकिल पे ही जाऊँ, मट्टी भी बहुत आती है। ओह नो नो, ओह यार इतने बड़े बड़े जंप है यहाँ पर,
लेकिन नो प्रॉब्लम, लेट्स गो। बहुत जोर लग रहा है, मैंने लोग ये डाला हुआ है, सामने जो है समुंदर भी आ रहा है। यासीन फोका फोल गया, यासीन भाई भी आ रहे हैं, मैं भी आगे हूँ और लोग यार मेरा जो है ना अभी जाके लग गया है। लेकिन ओ नो 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 स्टॉप नहीं कर दी तूने, जाना है तूने। बिल्कुल समुद्र के पास आ चुके, फुल मैंने कोशिश की है कि साइकिल जो है आ जाए पत्थरों के पास, पहुंच गया है। ओह गॉड, यासीन भाई पहुंच गया हूँ मैं। यासीन भाई दिखाता हूँ, वो आ रहे हैं साइकिल पे, थका दिया साइकिल ने यार। यासीन भाई वो आ रहे हैं, बहुत बड़ी रमत से है, थका दिया साइकिल ने बिल्कुल। हाँ यासीन भाई थक नहीं गए? साइकिल का है मेरी थोड़ा प्रॉब्लम है ना गियर का, इसके लिए बहुत जोर लगा मेरा ऊपर। चढ़ जाएंगी? थक तो फूल गया हूँ मैं यार, वो ऊपर चढ़ाने का रहता है भाई का, तो जाके चढ़ाते हैं साइकिल। उसके बाद पता नहीं आगे क्या है, समुंदर ही समुंदर होगा। इट्स ओके, चढ़ाऊंगा साइकिल, फिलहाल जो भी है देखा जाएगा। अबे चढ़ जा चढ़ जा, अबे इधर ही खड़ी हो गई। क्या व्यू है यार, ये देखे थोड़ी और ऊपर ले जा साइकिल भाई। यहाँ से आगे कहाँ चढ़ेंगे, तो ये देखिए समुंदर आ गया, साइकिल खड़ी हो जा। आपको कुछ दिखाता यार उससे पहले, इधर ले आ बेटा, इधर ले आ, इधर ले आ। ओए होए होए, वो देख पहले ही निकल गया। शिट यार, वो मस्ती वस्ती करके वो निकल गया पहले ही। साइकिल चलो एक पत्थर पे खड़ी कर दी मैंने यहाँ पर, ये खड़ी हुई है साइकिल। और ये समुंदर, कोई केकड़ा दिखाता हूँ, केकड़ा केकड़ा दिखाया, केकड़ा वो देखो, देख रहे हो ये रियल में केकड़ा घूम रहा है समुंदर के पास। कितना बड़ा केकड़ा यार, एक नहीं दो हैं। और वो यासीन भाई सामने है, और ये रोड है माउंटेन साइकिल वाली रोड लग रही है मुझे ये तो। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो है ऊपर की जो हमें जितनी तस्वीरें वगैरह लेनी थी कुछ हमने ले ली हैं, और कुछ वीडियोस के थंबनेल के लिए भी ली है मैंने। और अभी यहाँ से जो है निकल रहे हैं वापस से, तो आई थोड़ा सा जो था समुंदर का व्यू मैंने आप भाइयों को दिखाया है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं फिर से, यही रंबल पूरी क्रॉस करनी पड़ेगी। व्यूअर्स देखने के लिए ऐसा लगता है जैसे कि कोई जोर नहीं लग रहा हो, लेकिन असल में काफ़ी ज़्यादा जोर लग रहा है। तो अभी ये पत्थर के साइड आ गया हूँ, तो आप देख रहे हैं पत्थर ही पत्थर है, फिर भी लेट्स गो। अभी हर रोड की तरफ थोड़ा सा सांस भी चढ़ गई है क्योंकि थक गया हूँ बहुत, वहाँ पर थोड़ी सी छाँव है, तो छाँव वाली जगह पर जाके साइकिल थोड़ी देर रोकता हूँ, थोड़ी देर वहाँ पर खड़ी करता हूँ साइकिल, ताकि जो टेम्परेचर मेरा हाई हो गया वो लो हो जाए, फिर निकलते हैं। ओह माय गॉड, फिर से रुम्बल, भगाओ 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 भगा के, तो मैं इतना थक गया हूँ। ये आ गया हूँ मैं बिल्कुल बिल्डिंग के साए पे, थोड़ी देर यहाँ पर स्टॉप करूँगा साइकिल। ओह माय गॉड, तो यहाँ पर साइकिल खड़ी की है, थोड़ा सा मैंने कहा कि उतर जाऊँ साइकिल से नीचे, तो बहुत थक चुका हूँ। यासीन भाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और फिर यहाँ से निकलेंगे।
व्यूअर्स, अभी जो है आप यहाँ का व्यू देखें, माशाल्लाह से कितना बेहतरीन व्यू है और बिल्कुल साइकिलिंग की रोड भी है और व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। माशाल्लाह पूरी घास ही घास है, बैठने के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पर। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे टाइम पर आया था मोबाइल के चक्कर में, तो मैंने आपको बताया तो था, लेकिन अगली बार मैं कभी आऊँगा फुल तैयारी के साथ तो यहाँ का पूरा व्यू जो है ना शाम में उठाऊँगा, तो पब्लिक ट्रैफिक सब होता है यहाँ पर, तो वो बहुत बेस्ट, देखने में मज़ा भी आएगा। और वापस से यहाँ से जो है समुंदर शुरू हो जाएगा आगे, मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप देखें वापस से रोड एंड पे जा रही है, पता नहीं कहाँ से उतरेंगे नीचे, कहाँ से उतारेगी नीचे, तो मेरे ख्याल से तो बहुत आगे से जाके उतारेगी लास्ट से, तो हमें यहीं से उतरना है नीचे, हम यहीं से उतरेंगे स्लोली स्लोली ब्रेक मारते हुए। ये उतर गया मैं नीचे, ये उतर गया साइकिल, तो हम यहाँ से इस रोड पर कैच करेंगे। तो ये मैंने ये रोड खा ली यहाँ से, और जो है ये समुंदर है, बिल्कुल अंदर के एरिया में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, हाँ फर्स्ट टाइम तो आया हूँ मैं यहाँ पर, तो अभी थोड़ा आपको चल के अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, खुद पहली बार यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो वो सामने भी अच्छा से व्यू है समुंदर का, थोड़ा सा वो आपके साथ शेयर करता हूँ और उसके बाद जो है वीडियो घर के पास जाके ना एंड करूँगा। सफ़र बहुत बड़ा हुआ है बाकी, और मैं जो है अभी यहाँ पर हूँ, मोबाइल चार्ज ने धोखा दिया है, तार मेरे पास शायद पड़ी है, तो मैं कफ्टीरिया वफ्टीरिया पे खड़ी करके वहाँ से हो सकता है 10-15 मिनट जो है मोबाइल अपना चार्ज करवाऊँ। चार्ज नहीं है मोबाइल में, पता नहीं चला मुझे शिक। और सुबह मैं घर से निकलते हुए चार्ज भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया था, तो बिल्कुल जो है अभी कॉर्निश रोड की तरफ आ चुका हूँ। ये देखें व्यू माशाल्लाह, मोबाइल में तो पता नहीं कैसे दिख रहा है, लेकिन रियल में तो सुबहान अल्लाह वाली बात है, बहुत आंसू दिख रहा है। आ गया हूँ मैं बिल्कुल यहाँ पर, तो आपको व्यू दिखाता हूँ समुंदर का। ये देखें व्यू, ये है समुंदर का व्यू, समुंदर ही समुंदर है माशाल्लाह से, और बिल्कुल बिलू बिलू है। तो अभी चलते हैं आगे, तो अभी जो है आपने देखा है समुंदर भी माशाल्लाह से बड़ा प्यारा है, और अभी साइकिल की रोड पे ही हमें जाना पड़ेगा, तो वो है साइकिल की रोड स्टार्ट हो रही है यहाँ से, तो यहीं से जाएंगे हम। तो ये जो रोड पे यासिन भाई जा रहे हैं ये साइकिलिंग की रोड है, और वहाँ पर जो है पब्लिक वगैरह चलती रहती है, और उस तरफ जो है गाड़ियाँ पार्किंग होती हैं, तो ये साइकिल की रोड पर भी मैं भी निकल रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ऐसी प्लेन रोड है और बहुत मज़ेदार रोड है, तो अभी चलते हैं। तो व्यूअर्स मैं घर पे आ गया था, और घर पे आने के बाद मैंने आराम किया है, आराम करने के बाद अभी उठा हूँ, तो फिर दोबारा से जा रहा हूँ मोबाइल के चक्कर में। तो देखते हैं, यहाँ पे अपने इलाके में एक भाई है जिसको हम जानते हैं, उसी के पास जा रहा हूँ, अगर वो वहाँ पर होगा तो मुझे मोबाइल अच्छा दे देगा। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सा मोबाइल हमारे नसीब में। मैं फिर से निकल चुका हूँ घर से, अभी एक हमारा इधर एक भाई ने कहा एक जगह है लकीरान वोट, तो पहले वहाँ पर चल पड़ते हैं, हो सकता है वहाँ पर जो है हमें अच्छा सा कोई मोबाइल वहाँ से पर मिल जाए, तो वहीं से मोबाइल फिर हम वो परचेज़ कर लेंगे। तो इसके लिए भी लकीरान वोट की तरफ मैं निकला हूँ, और अभी तक मैंने ब्लूटूथ भी नहीं लगाया, और मैं ऐसे निकल पड़ा हूँ, पहले ब्लूटूथ लगाना चाहिए था मुझे, मेरी मिस्टेक है। तो मैं वापस साइकिल खड़ी करता हूँ और ब्लूटूथ लगाता हूँ ताकि आवाज़ क्लियर आए वीडियो में। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है हम कुदरत बिल्डिंग जो है अल-फजर बिल्डिंग के पास पहुंच चुके हैं, और यहां पर जो है अभी यहां से हम राइट होंगे, हम यहां से राइट करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे से राइट करूंगा कोई सही जगह देख के, वहां से राइट करके हम उस तरफ चलेंगे। ये अभी तो यहां पे स्कूल बसें वगैरह सब हैं, ये एरिया मैंने आपको पहले नहीं दिखाया, मैंने कहा चले आपको ये एरिया भी दिखा दूँ। और अभी जो है मैं इस तरफ से जाऊंगा उस एरिया में, तो अभी फिर से रोड क्रॉस करेंगे। चलते हैं आराम आराम से रोड क्रॉस करते हैं। तो अभी मैं रोड पे चला गया था, लेकिन मैंने बैक कर ली क्योंकि यहाँ पर ओह माय गॉड डाउट सिग्नल गाड़ी चलाते हैं ना, ये प्रॉब्लम है, सिग्नल नहीं चालू करते, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है।
तो अभी जो है भाई यासिन आगे और मैं पीछे, तो निकल चुके हैं। जहाँ पे गाड़ी को जाना होता है वहाँ का वो सिग्नल लगाते नहीं है। स्ट्रेट आ गई आगे, तो इसके लिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो अभी ये राउंड बोर्ड है, तो इस राउंड बोर्ड से जो है गाड़ियाँ, इसको चुरंगी बोलते हैं पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर राउंड बोर्ड कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से यासिन भाई आगे और मैं पीछे, अभी जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं सफ़र। लेकिन अभी रात भी हो गई है, तो अभी भी तकरीबन आप समझ लें कि 2-2.5 किलोमीटर आगे जाना है। कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हर गाड़ी की लाइट पड़ेगी बिल्कुल आगे से, और हमें जो है देखने में मुश्किल होगी क्योंकि मगरब का टाइम हो चुका है ना इसके लिए। लेकिन नो प्रॉब्लम, फिर भी हम जो है कैचिंग करते हुए चलते हैं। जितना हम कैच कर सकते हैं उतना हम कैच करेंगे। बिल्कुल तो है, मैं यासिन भाई के पीछे हूँ, काफ़ी आगे निकल चुके हैं और मैं काफ़ी पीछे हूँ, लेकिन फिर भी जो है कंटिन्यू हो रहा है सफ़र। इस ज़माने में यहाँ पे मेरा दोस्त काम करता था, लेकिन अभी वो नहीं है, चला गया है यहाँ पे डीजल में। तो हर चीज़ वक्त के साथ बदल जाती है, जैसे कि आप जैसे कि मैं यहाँ पर पहले कबूतर पालता था पाकिस्तान में, अभी जो है मैंने यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है, तब्दीली तो आती है इंसान के लाइफ में, चेंजिंग तो आती ही रहती है। इसी तरीके से आगे मालूम नहीं और कितनी चेंजिंग आएंगी लाइफ में, पता नहीं है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी नहीं तो बहुत ज़्यादा, रोक के फिर आगे ऐसे फिर कंटिन्यू करूँगा। तो बस आप ऐसे समझ लें कि मैं मार्केट के बिल्कुल नज़दीक हूँ, तो पहुँचने वाला हूँ, थोड़ी सी दूर है बस। यहाँ पर मस्जिद है और मस्जिद के आगे जो है मोबाइल शॉप है, तो बस समझ लें पहुँच ही गया हूँ मैं भी। तो आपको शायद भी होगा, गाड़ियों के बाद जो है मार्केट शुरू हो रही है, जहाँ मुझे आना था वहाँ पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुका हूँ। बिल्कुल भाई भी यहाँ पर खड़े हैं और मैं भी आ गया, तो यहीं से मार्केट शुरू है, मार्केट यहीं से शुरू है। ओके इट्स ओके। अभी जो है पहुंच चुके हैं मार्केट में, कौन सी दुकान मेरी समझ में आएगी। पहले मैं जाऊंगा वो एक बंदे के पास जिसको मैं जानता हूँ, उन्हीं के पास जाकर रुकूंगा, उसके बाद जो है फिर वहां से निकलूंगा। अभी जो है पहुंच चुके हैं, यहाँ पे नहीं है ना दुकान, उसके पहले उसके पास चलते हैं, इसके पास हमें मालूम लेते थे, फिर यहाँ पर आते हैं वापस। ये बहुत बड़ी शॉप है, ये है लकी राउंड बोर्ड। ओके अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर एक शॉप की, जिनसे मैं लेता हुआ रहता हूँ सामान, मेरे तरह से यही आगे वाला है। देख लेगा इसमें, देख लेगा उसको, देख लेगा सब में, देख लो आइडिया हो जाएगा। ये वाला नहीं यार, मेरे को ये शॉप लग रही है यासिन भाई। हाँ ये शॉप है, तो अंदर चल के देखते हैं मोबाइल। तो व्यूअर्स यहाँ पर आया तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, यहाँ पर तो बिल्कुल ही मोबाइल मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो यहाँ पे तो एप्पल मोबाइल ही नहीं थे जहाँ पर मैं आया हूँ, सैमसंग, ओप्पो, इन्फिनिटी और बहुत कंपनी के थे, जैसे कि समझ लो जो मुझे चाहिए था एप्पल का वो मोबाइल बिल्कुल एक पीस भी यहाँ पर नहीं मिला मुझे। तो वापस से निकल गया, सिर्फ दो शॉप थी, ज़्यादा दुकानें नहीं थी, दोनों दुकानों पे मुझे नहीं मिला। जी यासिन भाई, हाँ तो यासिन भाई कह रहे हैं कि इस मार्केट है यहाँ पर, उस मार्केट के अंदर चल के देखते हैं, हो सकता है कि इस मार्केट में मोबाइल मिल जाए। तो मैं ये है वो मार्केट का, यासिन भाई कह रहे हैं मुझे कि इसके अंदर चल के देखे क्या हो सकता है, शायद कि इसके अंदर जो है हमें मोबाइल मिल जाए। यासिन भाई तो जा चुके हैं और मैं भी अभी इरादा बना रहा हूँ
डीप है इसके अंदर जाने का, है इसका गेट वो उधर सामने। चलो चलकर देखते हैं क्या है क्या नहीं। फाइनली जो है मैं इस मार्केट के अंदर अभी जा रहा हूँ, यासिन भाई मेरे साथ हैं। आया यासिन भाई, चलें। हाँ चलते हैं। तो अंदर जाके देखते हैं कि हमें मोबाइल कौन सा मिलता है कि नहीं मिलता, ये मुझे पता नहीं, 100% जाकर देखने से पता चलेगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर भी मुझे जो है नहीं मिला मोबाइल। अंदर इतनी रश था, इतनी भीड़ थी कि वीडियो बनाने का दिल ही नहीं कर रहा। पता नहीं कोई ऐसे बोले तो मेरी वीडियो क्यों बना, पब्लिक ज़्यादा थी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। और मोबाइल की दुकानें ही नहीं थी, जैसे यहाँ पे सब्ज़ी की दुकान है, सब्ज़ी ही सब्ज़ी, वो तो ख़रीदी नहीं है। तो फिर से कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। तो अभी चलते हैं, असल में मुझे जहाँ से मेरा इरादा है मोबाइल लेने का, अभी वहीं पर जा रहे हैं। जो अपने एक भाई हैं उसके पास चल के देखते हैं, क्या पता उनके पास कोई मोबाइल हो तो वहाँ से परचेस कर लेंगे। तो हाँ, यहीं से रोड से निकल चलते हैं। हाँ, यहाँ से इधर से आओ, इधर से आओ। तो इस तरह से हम निकल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे इस तरीके से अंदर से होते हुए सीधा चलें, आपको दिखाते हुए चलें। भाई यासिन भी पीछे आ जाएंगे। तो अभी छुट्टी हो गई है ना, असल में सब गाड़ियाँ अपनी अपनी आकर जगहों पे आगे खड़ा होना शुरू हो रही है। तो असल में ये ऐसे हो रहा है, कुछ मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो हाँ, यहाँ से रास्ता है, यहाँ से ऊपर ले लेते हैं। यहाँ से ऊपर ले लिया मैंने, वापस यहाँ से नीचे। अरे यार, आराम से बेटा, आराम से, आराम से। आज बहुत बड़ा सीन हो गया मेरे साथ, लेकिन फिलहाल होता रहता है। तो अभी चलें, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है मोबाइल परचेस कर लिया था, मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि शॉप में मैं गया था तो भाई वहाँ पर नहीं थे, तो काफ़ी देर इंतज़ार करनी पड़ी। जब वो आया तो फिर मैंने उसे मोबाइल लिया, तो मैं लेकर आकर मैंने फिर मोबाइल रख दिया और मैं फिर सो गया था। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो मोबाइल लिया है, मैं आपके साथ वो मोबाइल शेयर करता हूँ। एप्पल का मोबाइल लिया है मैंने, एप्पल, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा मोबाइल भी लाया, कैमरा भी अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, रिज़ल्ट भी अच्छा है। तो ये मैंने परचेज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी से जो है व्लॉगिंग वो इस चैनल पे इस वीडियो इस मोबाइल से वीडियो बनाऊंगा मैं, तो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। इसका कैमरा देखें, और ये 64GB मोबाइल है जो मैंने लिया है, मुझे अच्छा लगा था तो फिर मैंने कहा कि इसे ले लेते हैं, ताकि 64GB है और आईफोन 6 प्लस मोबाइल है, ये तो बेस्ट मोबाइल है। ये परचेज़ किया और ये मुझे रेंज के अंदर मिला है, ये मिला है मुझे सिर्फ तो सिर्फ 75 दरम में। ये मोबाइल 75 दरम में मिला है और इसके साथ मुझे जो है इसका कवर भी लगा कर दिया है, प्रोटेक्टर भी दिया है साथ में, ठीक है। प्रोटेक्टर भी जो है इसके ऊपर जो लगता है वो मुझे इसने लगा कर दिया है, प्रोटेक्टर भी, ठीक है। उसके बाद इसके साथ चार्जर वायर भी दी है, और बस यही तीन चीज़ें उसने मुझे प्रोवाइड की हैं 75 में विद मोबाइल के साथ। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो नया मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह परचेज़ कर लिया है और अभी जो है चलते हैं दूसरे दिन के, जब मैं व्लॉगिंग करूंगा तो आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। तो मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह परचेज़ हो चुका है, तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए भाई आते हैं, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अपने भाई को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।